असलेंस हो आर यू होप सो यू आर रिफाइन एंड स्टे वेल एट होम वेलकम बैक टूअर क्लास साइंस डेट सेवेंटीन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री आज हम करेंगे क्वेश्चन हमने स्टार्ट किए हुए हैं क्वेश्चन नंबर वन एंड टू हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री समय पम्प्स फिटेड टू दैम वाई डू यू थिंक दिस इज़ हो तकरीबा आलमोस्ट जो फिश टैंक्स होते हैं उन सब में एयर पम्प फिट किए होते हैं तो आपके ख्याल में वो क्यों किए होते हैं इसका आंसर हमने करना है आंसर ये है कि एयर पंप्स आर आर फिटीड टू मैनी फ़िश टैंक्स टू एड ऑक्सीजन टू द वाटर एंड आल्सो कीप द वाटर सर्कुलेटिंग सो दैट इट डज़ नॉट बिकम स्टेगमेंट अब हमने क्या देखा हमने देखा कि जो फिश टैंक होते हैं उसके अंदर जो है वो फिट किए होते हैं एयर पम्प्स अब उस एयर पम्प का एक तो मकसद ये है कि उसके अंदर से का ऑक्सीजन कम ना हो बेसिकली जब ब्रीथिंग होगी और ब्रीथिंग के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो उस चीज़ से बचने के लिए वो एयर पम्प होते हैं ताकि उसके अंदर क्या डाली जाए ऑक्सीजन डाली जाए और ऑक्सीजन प्रॉपर्ली एडअप करते जाएँ उसके साथ साथ पानी को जो है वो हिलाते जाएँ ऐसा नहीं हो कि ऊपर वाले मतलब जो पानी है वो किसी एरिया से डिफरेंट हो उसके अंदर जो ऑक्सीजन की और जो दूसरी डिफरेंट किस्म की गैसेज हैं जो न्यूट्रेंट्स हैं वो एक जगह पे ही नहीं रहें बल्कि वो सारे के सारे पानी में क्या हो सर्कुलेट होते रहें इस वजह से एयर पम्प जो हैं उनके अंदर डाले जाते हैं मतलब हमने देखा हुआ है कि वो मतलब एयर को पंप करने के लिए एयर को ऑक्सीजन को पंप करने के लिए ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो न, उन जितनी भी फिशेज़ होती हैं इज़ दैट क्लियर बेटा थैंक यू अल्लाह हाफिज़